बीते दिनों पटना में विपक्षी एकता की सबसे अहम बड़ी बैठक हुई, अब शिमला में अगली मीटिंग प्रस्तावित है। विपक्षी दलों की शिमला बैठक से पहले आज प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर चुन चुन कर निशाना साधा, विपक्षी एकता की फिलॉसफी को अपने शब्दों में समझाया। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली। पूरी तरह से फिट हो गए हैं, बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कोयला घोटाला, पूजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, चारा घोटाला। जिस वक्त मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, ठीक उसी वक्त 2024 को लेकर पटना में विपक्षी एकता का नारा गूंजा। विपक्षी दलों ने अनेकता में एकता का दम दिखाया। अब विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के गठजोड़ की संपूर्ण व्याख्या अपने शब्दों में की। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला। विपक्ष का दावा है कि 2024 में बीजेपी का पैकअप पक्का है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। कुछ विपक्षी दल रेवड़ी कल्चर वाली गारंटी दे रहे हैं, तो मोदी ने एक नई गारंटी का आज ऐलान किया। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। मोदी ने विपक्षी दलों के दामन में लगे दाग दिखाए, तो परिवारवाद को हथियार बनाकर निशाना साधा। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।